गजब हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मनजीत कोच की राम राम। साथियों आज दुष्यंत चौटाला आने वाले थे करसिंधु गांव में, उचाणा लखाया जो करसिंधु गांव है यहां पर दुष्यंत चौटाला पहुंचने वाले थे, लेकिन कुछ ऐसी खबर मिली है कि दुष्यंत चौटाला ने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है और आज हम करसिंधु गाँव में खड़े हैं। तो साथियों एक बार बैनर देख लीजिए, यहाँ जो किसान के साथ खड़ेगा वही गाँव में बढ़ेगा, कुछ ऐसा बैनर किसानों ने लगाया गया और हम किसान खड़े थे कि इनसे कुछ बातें करें। सबसे पहले राम राम। राम राम जी। आज क्या प्रोग्राम था ये? सबसे पहले जो आपका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है जी। आज प्रोग्राम जी ये है, दुष्यंत ने इस गांव में आना था और पता लग गया श्याम ने नव युग सारे गांव के इकट्ठे हुए, इन्होंने विरोध जताया और सलाह करी आज ये विरोध में खड़े हैं, वे गांव में नहीं आना चाहिए। अच्छा। क्यों? किसान आंदोलन चला हुआ है, उसके मद्देनजर रखते हुए हमारी गाँव की व्यवस्था खराब हो सकती है। हमारा गाँव का भाईचारा पहले राजनीति बाद में, हमारा गाँव का भाईचारा खराब करने के लिए आने की सलाह थी उसकी, हम ऐसा नहीं होने देंगे ना, हम भाईचारा खराब करेंगे। पूरा गांव साथ में खड़ा है, बिल्कुल साथ खड़ा, देख लियो आप, देख लियो। आज के प्रोग्राम था, क्या माहौल था, क्या उसमें था? इस सारी बात मेरे से पूछ लियो कि जी नौजवान ने पूछ लिया। अच्छा, नौजवान ने पूछ लिया। ऐसे है, शादी समारोह तो 27 तारीख की शादी है, देशराज नंबरदार के पोते की 27 तारीख की शादी है और वो प्रोग्राम बुलाया होगा, वह 27 ने कदे विरोध हो जाए नहीं आ पाऊँ उससे पहले हाजिरी दे आऊँ। अच्छा। उसी मकसद से आना चाहे था और इसी मकसद में हमारे नौजवान युवा श्याम ने उनको उसके घर भी गए हैं, भाई अब ना बुलावा, आग लगी हुई है, किसान आंदोलन में जुड़े हुए हैं, कल ना हमारे गांव पे आंगली उठे। एक तरफ तो हम सेवा कर रहे हैं किसानों की, दिल्ली टिकरी बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर, एक तरफ न्यू गए तो हमें दूसरी को बुला रहे हो, इसमें हमारे गाँव की हमने गांव पहले है राजनीति बात में, यही बात है जी। और इसमें आप देख रहे हो जो जोश है युवाओं का, बुजुर्गों का जो जोश है वो देख रहे हो आप, सारा गांव साथ है और हम बिल्कुल विरोध में है, यह आएगा तो कड़ा विरोध होगा उस, ये बात है जी हमारी। दुष्यंत चौटाला का स्वागत करने के लिए किसान काले झंडे लेकर खड़े देख लो भाई, हर जगह खड़िया जा लो, बीजेपी वाला नेता कोई भी मंत्री हो कहीं भी बिक जाए तो किसान काले झंडे लेकर खड़े पावे, या बीजेपी की कमी है, जेजेपी की कमी है, क्यों नहीं समझा पा रहे ये तीन बिल आए हैं, क्या कारण है ऐसा, क्यों नहीं, ये गलत है या फिर समझ में नहीं आ रही? ऐसे जी, जो किसानों के मसीहा दीन बंधु सर चौधरी छोटू राम जिया ने जो काले कानून दरकिनार करने का काम किया था, ये गोरे अंग्रेज, काले अंग्रेज, गोरे तो चले गए, ये काले अंग्रेज उसी कानून को दोबारा इतिहास को दोहरा रहे हैं और इसका आप भी देख रहे हो, मीडिया में हो, आप कवर करते हो, इसका पुरजोर विरोध है सारे भारत में, चाहे वो महाराष्ट्र है, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, झारखंड है, अपने बिहार है, मध्य प्रदेश है और दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं किसान, और हमारे गांव से भी काफ़ी रात सामग्री और गांव के ट्रैक्टर भी गए हैं, रात सामग्री भी पहुंचा रहे हैं, तन मन धन से मेरा गांव लगा हुआ है कि हम किसानों के साथ हैं, कि सबसे पहले किसान, हमारी किसानी और हमारी नस्लों को बचाने के लिए हम इस पर, जैसे भगत सिंह और ने तो फांसी दे गए आज़ादी के लिए फांसी दी थी, हम किसानों के लिए, हमारे शहीद हुए हैं 29-30 भाई हमारे, करीब 29 भाई हमारे जो किसान थे, हमारे चाचे ताऊ थे जो हमारे किसान थे, वो शहीद हो गए हैं, लेकिन ये निर्दयी सरकार है, ये मोदी है और खट्टर है, ये हिटलर वाली नीति पर चले हुए हैं, हिटलर ने ये कराया था वह जर्म इकोनॉमी को तहस नहस कर दे, वह लोग गरीब हो जाए और वो जिंदा रहें उसी को विकास समझें, ये हिटलर वाली नीति पर चला हुआ है, बिल्कुल नकारा सरकार है। मेरा गांव पिपली शुरू में किसानों का आंदोलन हुआ था, मेरा गांव की भागीदारी 17 आदमी हम वहाँ गए थे, शुरू से हम भागीदारी है और लगे हुए हैं, लास्ट लगम जब लग ये कानून वापस नहीं होंगे हम लगे रहेंगे, यही हमारी तो आपके माध्यम से संदेश है सरकार को, नमन निवेदन है सरकार से, वह जल्दी से जल्दी किसानों की बात को सुनाइए और ये कानून वापस लिए जाए और MSP स्वामीनाथन और C2 जो उनको लागू किया जाए और किसानों को राहत दी जाए, किसान अपने खेत में काम करेगा, देश का अनाज का भंडार को भरपूर मात्रा में भरेगा और अपने सरकार, अपने मोदी से भी आग्रह करते हैं आपके माध्यम से, भाई किसानों की जायज मांग है, इनको मान लेना चाहिए, 70 साल से किसानों ने कुछ नहीं मांगा,
70 साल शोषण हुआ है किसानों का। एमएसपी रेट है सरसों का भाव है 3600 एमएसपी, खरीदने 3200-3300, पैसे वाले खरीद ले फिर वो थोड़ा रेट फिर एमएसपी पे वहीं बेचे हैं। किसान के साथ तो शुरू से ही धोखा होता हुआ आया है जी, और वही कानून दोबारा ये ले आके बहुत भारी गलती करी सरकार ने। क्या नाम है जी? मेरा नाम है जी चांदीराम, गाँव करसिंदू, रिटायर्ड थानेदार हूँ पुलिस से। भाई साहब आप एक बात बताओ, जैसे बीजेपी और जेजेपी वाले बोल रहे हैं किसानों के बिल समझ में नहीं आए, तो ये जो वकील अपना हरियाणा पंजाब के इन्होंने समर्थन दिया, क्या इनका भी समझ में नहीं आए? वकील है वो तो भाई साहब। देखो पहली बात तो आज किसान मजदूर का बेटा पढ़ा लिखा है और वो सरकार की नहीं बल्कि विदेशों में भी जो होता है ना वो भी पकड़ करते हैं, अमेरिका में जो मतलब तमाम देश हैं उनमें इन कानूनों का विरोध हो रहा है, लागू भी हुए हैं। यूपी की तर्ज पर पहले यूपी में लागू हुए थे, वहाँ भी बिहार में जो वहाँ पे क्या चल रहा है, तो सबसे अब बिहारी बेचारे अपने दिहाड़ी करना हुआ है। अब रही बात आपकी वकीलों का समर्थन, एक जज और वकील से कानून का जानकार कोई नहीं होता। अब वकील है जो वो किसानों के पक्ष में आ गए भाई ये कानून गलत है, तो भाई मैं तो नहीं कहूँ जेजेपी वाला बीजेपी वाला ही है, अपना वकालत शुरू कर दो भी कानून को, ये जानते अच्छे से। और रही बात ये कानून बिल्कुल गलत है, जनता जो ग्राउंड पे किसान मजदूर काम कर रहा है उसी को पता होता है कि इसमें आज उगाया तो इसको बेनिफिट कितना होगा, ये तो वही बात है जो उसमें गमले में पुदीना बोया है। और रही बात उसकी, देख भाई हम तो अपना बिल्कुल यहाँ जो भाईचारे खड़े हैं सारा ये खड़े हैं एक देशभक्त विचारता रहता है, नहीं किसी पार्टी सपोर्ट में, पार्टी की सपोर्ट में दुष्यंत की मैं आज भाई बैनर लगा दिया सारे 36 जाति के भाइयों की सहमति बैनर लगा था, बाकायदा उन्होंने इंटरव्यू दिया था, मैं उन्हें मीडिया न्यू में बनाया था ताकि भाई बुलाया अपना जो बात कही मैं अपना कि भाई जो दिल्ली किसान आंदोलन में साथी बैठे हैं या हरियाणा जो साथी हैं पंजाब के वहाँ तक हमारी आवाज़ जाए कि भाई इतना जो मतलब कि कट्टर दुष्यंत का काम था वो भी खिलाफ हो रहा है, खिलाफ हम विचारधारा के, विचारधारा इसकी गंदी है जो इसकी राजनीति रोटियां सेकी है इसने, जो किसान मतलब पीपल में लाठियां मारी वहां पे भाई बैठे हैं 32 भाई हमारे शहीद हो गए, उससे पहले बीजेपी ने 30-32 भाई हमारे पहले भी जाट आरक्षण के नाम पर शहीद करवाए, तो लगभग मतलब 60-70 बलि ले ली इसने भाई, तो मारे थे भाई कौम किसी का भी हो है तो अपने नागरिक है। तो फिर उसके बाद ये बैनर लगा दिया तो फिर अपना घोषणा हुई कल आने फाने में 27 को आना था वैसे प्रोग्राम, ठीक है साधिया गाँव में भाई अपना कोई बात नहीं, तो कल घोषणा हुई कि भाई शिवान स्कूल में एलिपेड में दुष्यंत चौटाला उतरेगा, जो गांव के साथी थे युवा सारे इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होने के बाद फैसला किया अपना जो प्रधान जी उसके घर पे गए। भाई आज टाइम हमने अपील करी कि भाई देख सारा देश आज किसान मजदूर आंदोलन साथ खड़ा है और गांव के साथी लग रहे हैं भाई, दिल्ली भी दूध पहुँचा रहे हैं आंदोलन धरने पर भी जा रहे हैं, तो भाई गांव मतलब एक देशभक्त विचारधारा जुड़ रहा है और रिस्पेक्ट है गांव की, भाई अब बनी रहने दे। उसने कहा नहीं भाई हम तो नहीं बने रहने दे अपना, भाई हम तो बुलावांगे हमारा परिवार से दिक्कत है ये है वो है, तो साथियों भाई माँ मैं तो सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, हमारा गांव पर गद्दारी का जो लेवल ना लगे आज खड़े हाँ तो किसान मजदूर के साथ खड़े हाँ, आज़ादी की लड़ाई में खड़े हाँ, भाई हमारा गांव नहीं खड़े या नहीं है तो भाई आसपास के गांव पूरा हिंदुस्तान हमारा गांव गद्दार बोलेगा, वो लेवल में हम लग नहीं देंगे। उस सोच के साथ अपना गाँव से बाहर आ गया मैं, बाहर आने के बाद भाई अपना जो साथी थे तो अपना भाई माँ मैं इकट्ठे हो गए, बोले भाई हेलीपैड बनाया गया है स्टेडियम में तो वहाँ पे गया हेलीपैड उखाड़ने के लिए जैसे खट्टर का उखाड़ा था सेम उस तरह से, तो भाई साथ ही देखो भीड़ है एकत्रित है, सबसे बड़ी बात होगी भीड़ एकत्रित है तो हो रही थी, तो भाई लीडरशिप तो कुछ भी नहीं मतलब सारे लीडर है सबसे बड़ी बात है इस आंदोलन की, तो भाई अपना नारे लगाने लग गए, सबसे बड़ी बात है हमने फेसबुक पर लाइव होकर ना सारे साथियों ने अपना गांव के 10-20 भाई जो फेसबुक पर लाइव होकर ना दूसरे मुर्दाबाद के नारे लगा दिए, तो सरकार का ना बाद में सुबेर इन्होंने क्या कराया गंदी हरकत है, मीडिया वालों खरीद लिया जो अपने लोकल चैनल थे वहाँ पर रिपोर्ट है दूसरे चौटाला का दौरा रद्द, तो प्रधान जी का फिर फोन आया भाई दौरा रद्द, तो भाई यही निकले उन्होंने दिया जब पहले वोट देकर ठगे गए इसकी एक कॉल से कल को प्रोग्राम इसका मकसद क्या था, मैं करसिंधु में जाऊँ मैं वहाँ पर अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस अंदर बैठ के रूम में दो बात कह के और अपना मैं उसको लाइव चला दूँ, कल को भाई ये मैसेज आओ कि दुष्यंत से लोग अब भी जुड़े हैं और भाई करसिंधु की बेइज्जती भाई मम गद्दार क्यों बना, मैं तो पहले ही कहा दे भाई साहब बीजेपी लोकदल जेजेपी कांग्रेस ऑल पार्टी मोस्ट जो भी भाई ये पूरा हमारी सरहद है रोड पर जाओ, जो यहाँ पे आ गया भाई साहब वही बात पहले थी पर्चे हो जो 200 बिल्कुल भाई कुछ भी हो उसके काले झंडे भी हैं डंडे भी है,
कानून बैर की बात कहनी चाहिए तो भाई साहब हमारा भाईचारा खराब करने की कोशिश ना करें, ना हमारा गांव मावा है। जब तक किसान आंदोलन चल रहा है तब तक तो बिल्कुल भी नहीं आना भाई किसी भाई ने। अर्जुन भाई तड़का अपने राजनीतिक इलेक्शन आंदोलन बाद जिसका विश्वास प्राप्त करा अपना वोट ले भाई। तो भाई सबसे बड़ी बात हमारा किसान आंदोलन सपोर्ट करने का, दिल्ली जा रहे हाँ, टोल पर भी जावेंगे, टोल पर कल ने फिर तीन दिन का जो अपना कॉल है ऊपर से वहाँ भाई रहते ना उड़े भी चलेंगे उड़े ही रहेंगे। तो साथियों यही मांग अपने जो साथी आंदोलन सक्रिय है अपना आप ही नहीं विचार किसान एकता, किसान एकता।